रहा है आपका, आप देखते रहे YouTube। हाँ एक सेकंड में शुरू हो YouTube YouTube हाँ YouTube वाला जो रात में भेजा ना वही वाला। हेलो हाँ आया 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 सबको आया, दोबारा भेजूँ मैं अभी, भेज रहा भेज रहा भेज रहा भेज रहा भेज रहा। सुप्रभात सभी को, नमस्कार, सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ युवा साधिका फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ी हैं, जिज्ञा 11th की स्टूडेंट है और बहुत ही बढ़िया इनकी फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको इनके साथ योगाभ्यास करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं आज की सुंदर साधना। सर्वप्रथम शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों पंजे सामने की ओर ताने, घुटनों को दबाकर रखें, अधिक से अधिक पंजों को आसन पर दबाने का प्रयास करें, पंजों को लगाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचेंगे, खींचिए पंजों को, फिर से सामने की ओर तानेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, सामने अपनी ओर गोलाकार घुमाएंगे, धीरे धीरे गोलाकार घुमाइए। इस प्रयास में आपके घुटने बिल्कुल भी ना उठे। बहुत बढ़िया बेटा, रीढ़ गर्दन सीधी रखने की कोशिश करें। अब विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पंजे की सभी मांसपेशियां प्रभाव में आती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बनता है। आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद, दोनों पांव को थोड़ा ज्यादा खोलें और दोनों पंजे एक साथ अंगूठे आसन पर लगाने का प्रयास करेंगे। दोनों अंगूठे ये देखिए, लगाइए आसन पर, फिर खोलिए, फिर लगाइए। बहुत बढ़िया कर्व बनेगा आपके घुटनों पर, आपकी पिंडलियों पर, पुनः इसका बड़ा अच्छा प्रभाव आएगा। करिए जी करिए, सब लोग करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए वापस आएंगे, पांव को नजदीक कर लेंगे, हल्का विश्राम, थोड़ा अपने जगह पे बैठ के ऐसे हाथों को ऐसे चलाएंगे धीरे धीरे। ये देखिए, आगे पीछे होएंगे आसन पर, पूरा हाथ खोलेंगे और फिर पीछे लेके जाएंगे, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर सरकेंगे। वेरी गुड वेरी गुड, पांव में दूरी थोड़ी कम करें। करिए जी, सब लोग करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मस्ती के साथ। बहुत ही प्यारा मौसम, इतनी बढ़िया बारिश हुई है अभी आधा घंटा पहले ही, बड़ा ही सुहाना मौसम हो गया है।
धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का सा विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। बटरफ्लाई के लिए एड़ी पंजे मिलाएंगे, दोनों एड़ियां निकट से निकट आएंगी और दोनों घुटनों को पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। करिए जी, करिए, वेरी गुड बेटा। बार बार एड़ियां आगे खिसकने का प्रयास करेंगी, लेकिन आपने लगातार अपनी ओर खींच के रखना है। जितनी एड़ियां शरीर के निकट रहेंगी उतना अधिक लाभ मिलना है। जितने घुटने आसन के निकट पहुंचेंगे उतना अधिक लाभ मिलना है। करना लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। चलिए जी, वापिस आ जाएं, थोड़ा विश्राम ले लें, पांव को सीधा कर लें, रिलैक्स। हाथों का स्टैंड, चेहरे पर मुस्कुराहट, एड़ी पंजे मिलाएं। पद्मासन के लिए पहले दाईं टांग को मोड़ेंगे, एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें। अब बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, मंद मंद मुस्कान, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करेंगे। बड़े आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को निकालना और फिर धीरे धीरे श्वास को भरना, दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल के लिए श्वास को रोकना। करते जाएं जी। धीरे धीरे मन हमारा शांत होता है, ध्यान हमारा योग में पूरी तरह लगता है। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे, सभी करेंगे, मिलकर करेंगे, आवाज में मधुरता हो, एक रूपता हो। गहरा लंबा श्वास लीजिए, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। प्रसन्नता पूर्वक धीरे से पद्मासन को खोलेंगे,
को सीधा करके हल्का विश्राम देंगे, सामान्य श्वास। एक बार बैलेंस बनाने के लिए अपने पंजों पर बैठ जाएं, एड़ियों को उठाकर दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में ले लें, सामान्य श्वास, आंख खोलकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट कर लें। आज हमारे साथ जिज्ञा बेटी 11th की स्टूडेंट फर्स्ट टाइम डेमो के लिए जुड़ी हैं। वैसे प्रतिदिन पूरा परिवार योग साधना करता है। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए बिल्कुल स्टैचू की माफिक, बिना हिले डुले एडी हवा में है, रीढ़ गर्दन सीधी है, धीरे से बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे अपने आसन पर, दोनों हाथ नीचे, विश्राम, सामान्य श्वास। चलिए जी, थोड़ा जोगिंग करेंगे, अपने पांव को ऊपर नीचे करेंगे, हाथों को भी करेंगे, एड़ियों को अधिक से अधिक लगाएंगे, अपने हिप्स के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन चेहरे पर कोई भी तनाव नहीं आएगा जी, बिल्कुल खुश होकर करना है, मौसम का आनंद लेते हुए करना है, क्षमता का ध्यान रखते हुए करना है। चलिए जी, वापिस आ जाएंगे, हल्का विश्राम ले लेंगे, एक पीटी की एक्सरसाइज करेंगे, ये सब वार्म अप क्रियाएं जिससे आपके आसन बढ़िया होंगे। दोनों हाथ आपके कंधे की सीध में सामने, ये पहली स्थिति है, पांव में अपनी कंधे के समान या सुविधाजनक दूरी। श्वास भरते हुए दूसरी स्थिति, आकाश की ओर ले चलें, भुजाएं कान के साथ, पांच उंगलियां मिली हुई। अब साइड में लेके जाएंगे, तीसरी स्थिति, हथेली का रुख नीचे। चौथी स्थिति, भुजाएं शरीर के साथ, एक सामने, दो ऊपर, तीन बगल में, चार, एक दो तीन 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 चार, वापिस। हल्का सा विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके बड़ी जल्दी विश्राम होता है, बड़ी जल्दी हम सामान्य हो जाते हैं। लगातार मुख पर प्रसन्नता, कटी चक्र आसन का अभ्यास करेंगे जी। दोनों पांव में कंधों के समान दूरी, दोनों भुजाएं आपकी कंधे की सीध में, आमने सामने। अब आपने पंजे को नहीं लाना, केवल कटी भाग को धीरे धीरे ले चलें, श्वास भरते हुए राइट साइड में। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए, लेकिन आपकी कलाई ना मुड़े, राइट हैंड की कलाई बिल्कुल सीधी रहेगी, गर्दन साथ साथ घूमेगी। बहुत बढ़िया बेटा, धीरे धीरे लेकर आएंगे सामने, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। पंजे को बिल्कुल नहीं हिलने देना जी, थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, सामने लेकर आए, उन्हें राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, राइट लेफ्ट साइड में। बहुत बढ़िया बेटा, जिज्ञा हमारे साथ है आज, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। सामने ले आइए, तानिए दूर से दूर, दोनों भुजाएं नीचे ले लें, विश्राम, सामान्य श्वास, आंखें बंद,
लगातार प्रसन्नता हो चेहरे पर। आज जो है हमारी ये लाइव कक्षा, इसमें हमारे और भी अधिकारी भाग लेंगे। तो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं श्रीमान सुशील लाल मिया जी, तो वो भी अपने स्थान से बैठकर, घर से बैठकर एक आसन का अभ्यास करेंगे। डेमो जो है वो जिज्ञा का ही रहेगा। तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील लाल मिया जी से कि वो आए और शुरू करें ग्रीवा संचालन और कुछ सहायक क्रियाओं को करवाने का। जी धन्यवाद विजय जी। आइए, तीन छोटी छोटी क्रियाएं अपने शरीर के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण अंगों को स्वस्थ करने के लिए आइए सब मिलकर के बंद आंखों में प्रसन्न मन से ईश्वर का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम करेंगे ग्रीवा चालन। गर्दन की क्रिया है, कृपया पैरों में कंधों जितना फासला कर लें, दोनों पांव खोल लें, दोनों हाथ अपने कूल्हों पर रखें, दोनों हाथ अपनी कमर पर कूल्हों पर, और अब बंद आंखों में गर्दन को आगे पीछे श्वास भरते हुए गर्दन को धीरे धीरे लेकर जाएंगे पीछे, और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लेकर आएंगे आगे। प्रयास करें थोड़ी कंठ कूप में आ जाए। एक बार पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को लेकर जाएंगे धीरे धीरे पीछे की ओर, मोड़े पूरी तरह, बंद आंखों में आनंद लें क्रिया का, और जब ना रुका जाए पुनः श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे आएंगे आगे की ओर, थोड़ी पुनः कंठकूप में, गर्दन की स्टिफनेस खत्म होती हुई, और अब यह क्रिया दोहराएंगे दाएं बाएं, श्वास भरते हुए गर्दन को लेकर जाएंगे दाहिनी ओर, घुमाएं पूरी तरह से, इतना घुमाएं कि हमारी थोड़ी कंधे के ऊपर आ जाए, रुकें, और अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य स्थिति में, और अब पुनः श्वास भरें और यही स्थिति दोहराएंगे बाईं ओर, धीमे धीमे झटके से बचें, बंद आंखों में प्रयास करें हमारी थोड़ी बाएं कंधे के ऊपर, इसी क्रिया को एक बार पुनः दोहराएंगे, पुनः गर्दन को लेकर आएंगे मध्य में, और पुनः श्वास भरें, एक बार पुनः जाएंगे दाहिनी ओर, धीमे धीमे रुकें, आनंद लें स्थिति का, और अब की बार पुनः श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य स्थिति में, और यहीं से पुनः बाईं ओर, क्रिया को अत्यंत धीमे से करें, झटके से बचें, बंद आंखों में ईश्वर का ध्यान, और अब यहीं से पुनः आएंगे मध्य में, और अब गर्दन की ही एक और क्रिया करेंगे, गर्दन को झुकाएंगे, अभी हमने गर्दन को मूव किया था, अब हम झुकाएंगे गर्दन को लेकर जाएंगे दाहिनी ओर, इस प्रकार झुकाएं कि हमारे कान को कंधे का स्पर्श मिले, गर्दन को दाहिनी ओर झुकाएं, कंधे को कृपया ऊपर ना उठाएं, क्षमता अनुसार क्रिया को करें,
और अब यही क्रिया करेंगे बाईं ओर अत्यंत धीमे धीमे गर्दन को लेकर जाएंगे बाईं ओर। हमारी गर्दन के लिए, हमारी सर्वाइकल के लिए बहुत ही खूबसूरत क्रिया। एक बार पुनः आएंगे मध्य में, इसी क्रिया को एक बार पुनः दोहराएंगे, धीमे धीमे जाएंगे दाहिनी ओर। प्रयास करें हमारा कान हमारे कंधे के नजदीक से नजदीक, धीमे धीमे आएंगे मध्य में और फिर इसी क्रिया को दोहराएंगे एक बार पुनः बाईं ओर। क्रिया को बंद आंखों में अत्यंत धीमे से आएंगे पुनः मध्य में। और अब हम ग्रीवा के लिए ही ग्रीवा चालन करेंगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे, दाहिनी ओर से शुरू करेंगे, गर्दन को श्वास भरते हुए लेकर जाएं अत्यंत धीमे धीमे दाहिनी ओर, और फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर से धीमे धीमे वापस लेके आए। क्रिया को अत्यंत धीमे करें, इस क्रिया में आंखें खोल सकते हैं, पूरा सर्कल लगाएं और फिर एक और सर्कल लगाएंगे। इसी प्रकार श्वास भरते हुए दाहिनी ओर लेकर जाएं धीमे धीमे धीमे, और फिर बाईं ओर से अत्यंत धीमे धीमे वापिस लेकर आए, मध्य में आ जाएं। अब इसी क्रिया को विपरीत दिशा से करेंगे, अब की बार गर्दन को लेकर जाएंगे बाईं ओर से, श्वास भरें धीमे धीमे लेकर जाएं बाईं ओर, और फिर श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर से धीमे धीमे वापस। एक राउंड और लगाएंगे। कृपया ध्यान रखें, गर्दन बहुत नाजुक है, अत्यंत धीमे से क्रिया को करें, झटके से बचें। क्रिया को पूर्ण करते हुए मध्य में आ जाएं, बंद आंखों में की हुई क्रिया का आनंद महसूस करें। हमने इस क्रिया को करके अपनी गर्दन की स्टिफनेस को दूर किया, सर्वाइकल रीजन को भी प्रभावित किया। गर्दन को ऊपर नीचे करने से हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स भी प्रभावित हुए। बंद आंखों में कुछ क्षण विश्राम करें। अगली क्रिया करेंगे स्कंध चालन। कंधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे शरीर का। आइए हमारे कंधों को प्रभावित करने के लिए मन बनाएंगे एक क्रिया को करने का। कृपया पैरों में 3-4 इंच का फासला कर लें, 3-4 इंच का फासला दोनों पैरों में। दोनों भुजाएं शरीर के साथ खिंची हुई, उंगलियां अंगूठे पूर्णतया मिले हुए। दोनों हथेलियों को पलटते हुए बगल से धीमे धीमे लेकर जाएंगे ऊपर की ओर, अत्यंत धीमे धीमे दोनों बाजुओं को दोनों साइड से उठाकर ऊपर की ओर लेकर जाना प्रारंभ करें। बगल से ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और ऊपर ले जाकर खींचें दोनों हाथों को, हाथ बिल्कुल सीधे ऊपर ले जाकर खींचें। बंद आंखों में प्रयास करें दोनों बाजू बगल से ऊपर की ओर ले जाकर
पूर्णतया खींचें, प्रेशर लाने दें, धीमे धीमे आएंगे वापस जिस प्रकार गए थे उसी प्रकार वापस। पुनः बंद आंखों में महसूस करें हमारे शरीर मांसपेशियां भी कंधों के साथ प्रभावित हुई, और आइए अब कंधों के लिए ही एक और क्रिया करेंगे। दोनों कंधों को गोलाकार घुमाएंगे दो तरह से, पहले आगे से पीछे की ओर घुमाएंगे और फिर विपरीत दिशा में पैरों में उसी प्रकार 3 से 4 इंच का फासला। दोनों कंधों को घुमाना प्रारंभ करें, प्रयास करें जब पीछे जाएं तो पूरी तरह पीछे जाएं। क्रिया को अत्यंत धीमे धीमे बंद आंखों में प्रसन्नता पूर्वक ईश्वर का ध्यान करते हुए 3 राउंड लगाएंगे आगे से पीछे। धीमे धीमे राउंड को पूर्ण करें और फिर इसी प्रकार 3 राउंड विपरीत दिशा में प्रयास करें। क्रिया को अत्यंत धीमे पूर्ण प्रभाव के साथ। इस क्रिया से हमारे फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी दूर होती है, कंधों की स्टिफनेस दूर होती है। हम दिन भर मोबाइल पर कंप्यूटर पर काम करते हैं, हमारी गर्दन हमारे कंधे दोनों प्रभावित होते हैं। पुनः क्रिया को पूर्ण करके बंद आंखों में आनंद ले क्रिया का, कुछ विश्राम और अगली क्रिया के लिए तैयार होंगे। घुटने हमारे शरीर का पुनः एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे अपने घुटनों के लिए घुटना चालन की एक छोटी सी क्रिया करेंगे। पैरों में कंधों जितनी दूरी बनाएं, दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी, दोनों हाथ लेकर आएंगे दोनों घुटनों के ऊपर, दोनों हाथ दोनों घुटनों के ऊपर, और अब यहीं से अपने कंधों पर अपने दोनों घुटनों को राउंड देंगे पहले क्लॉकवाइज। इस क्रिया को भी कृपया धीमे धीमे करें। दोनों हथेलियां घुटनों पर, दोनों घुटनों को धीमे धीमे घुमाएं क्लॉकवाइज 3 राउंड अत्यंत धीमी गति से पूर्ण सजगता से 3 राउंड क्लॉकवाइज लगाकर वापिस आएं। मन बनाएंगे 3 राउंड एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में इसी प्रकार बंद आंखों में क्रिया को आनंद पूर्वक 3 बार और करें और क्रिया को पूर्ण करते हुए वापस अपने अपने आसन पर उसी प्रकार खड़े हो जाएं। आगे का मार्गदर्शन श्रीमान विजय अग्रवाल जी। धन्यवाद सुशील जी, बहुत ही बढ़िया आपने ग्रीवा संचालन की क्रियाएं करवाई, बहुत ही सुंदर इससे प्रभाव आया। कंधे पर, गर्दन पर, घुटनों पर। आइए, कल 21 जून है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो उसी की प्रोटोकॉल को रखते हुए कुछ आसन जो हम कल करवाने जा रहे हैं, कल हमारा विशेष प्रोग्राम रहेगा, आप जरूर जुड़िए, समय से जुड़िए, सही 5:30 बजे टाइम रहेगा। तो आइए वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं या 2-3 इंच का फासला कर लें एड़ियों में, पंजों में,
राइट पांव को मोड़कर एड़ी को जंगा मूल के निकट रखें, पंजा घुटने की ओर, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं साइड से ले जाएं आकाश की ओर, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में बनाकर बिल्कुल स्टैचू की माफिक खड़े हो जाएं, आंखें खोलकर सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, ये देखिए कितनी बढ़िया जो है जिज्ञा का पोस्चर है, बिल्कुल भी कोई हिलडुल नहीं है, बहुत ही शानदार बेटा, तान के रखिए भुजाओं को, सामने किसी चीज पर कंसंट्रेट करेंगे, ताड़ासन के सारे लाभ, कंसंट्रेशन बनती है बहुत बढ़िया से, धीरे धीरे भुजाओं को लेकर आएंगे साइड से वापस, पांव को नीचे करेंगे, विश्राम ले लें। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी टांग से, बाईं टांग को मोड़िए, एड़ी को लगाइए जंगा मूल से, दोनों भुजाएं साइड से तानते हुए ले चलें आकाश की ओर, वेरी गुड बेटा, बहुत ही बढ़िया, ये देखिए कितना सुंदर पोस्चर, भुजाएं कान के साथ लगी हुई खिंची हुई, कोई हिलडुल नहीं है, चेहरे पर कोई तनाव भी नहीं है, बड़ी प्रसन्नता के साथ रुकना, ईश्वर का धन्यवाद करना, धीरे धीरे साइड से ही भुजाओं को लेकर आएंगे वापस, पांव को नीचे करेंगे, विश्राम, थोड़ा सा श्वासों को सामान्य करेंगे, रिलैक्स हो जाएं। चलिए जी अब आसन पर बैठ जाएं, बैठ करके विश्राम, कौन आसन का अभ्यास करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सामने, पंजे तने हुए, दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं, श्वास भरते हुए मध्य से धीरे धीरे हिप्स को उठाना प्रारंभ कर दें, बिल्कुल धीरे धीरे, पंजे तने हुए अधिक से अधिक सामने की ओर, बहुत बढ़िया, रुकिए जी, रुकेंगे क्षमता अनुसार, बहुत बढ़िया पोस्चर बेटा, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बेटा, रुकिए रुकिए, रुकेंगे क्षमता अनुसार, धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से, वेरी गुड, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अब अगला आसन बहुत ही बढ़िया जिज्ञा का होगा, बहुत ही शानदार देखने वाला गोमुख आसन, दोनों पांव मिलाएंगे, राइट पांव को लेफ्ट पांव के नीचे से ले जाते हुए एड़ी के ऊपर बैठ जाएंगे, लेफ्ट पांव को राइट पांव के ऊपर से लाकर साइड में लिटाएंगे, अब लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएंगे और राइट हैंड को बगल से लेकर जाएंगे और दोनों हाथों को आपस में पकड़ने का प्रयास करेंगे, वेरी गुड, रुकिए, रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार, आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पर प्रसन्नता लीजिए, कब्ज को दूर करने वाला, पूरे शरीर को अलाइन करने वाला, बहुत ही बढ़िया वृक्षासन आज की हम सुंदर साधना कर रहे हैं, हमारी 11th की स्टूडेंट जिज्ञा के साथ, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कर लेंगे, विश्राम लेंगे,
और इसी क्रिया को अब दूसरी टांग से करेंगे। बाई टांग को मोड़िए, एड़ी को खड़ा करके उस पर बैठिए, राइट पांव को लेफ्ट पांव के ऊपर से लाकर साइड में लिटाएंगे, राइट हैंड को कंधे के ऊपर से लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को बगल से लेके जाएंगे, दोनों हाथ आपस में टच करें, जो ग्रिप कर सकें ग्रिप करें, सामान्य श्वास, आंखें बंद, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आज हम अलग अलग जगह से बैठ करके आपको ये हमारे अधिकारी आपको साधना करवा रहे हैं। कल का हमारा विशेष प्रोग्राम रहेगा, उसकी आज थोड़ी तैयारी भी हो रही है, तो हल्का फुल्का अगर आपको कहीं पर डिस्टरबेंस लगे तो कोई बात नहीं जी, करिए जी करिए, धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों पांव को सीधा करें, विश्राम ले लें, पांव को सीधा करें, रिलैक्स, दोनों हाथ राइट साइड में रखकर दोनों पांव एक साथ बाईं ओर से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे जी। वज्रासन बहुत ही बढ़िया आसन है, किसी भी समय किया जा सकता है, भोजन के उपरांत करने पर तो इसका विशेष लाभ मिलता है। अब वज्रासन में किया जाने वाला एक बहुत ही बढ़िया, जो कल भी हमारा अभ्यास रहेगा, जो पूरे विश्व भर में आसनों का अभ्यास होगा, उसके प्रोटोकॉल में एक आसन जो अभी हम करवाएंगे, तो इस आसन को भी हमारे क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमान तलवार जी करवाएंगे, शशंक आसन भाग टू। शशंक आसन भाग टू करवाएंगे तलवार जी। धन्यवाद विजय जी, करेंगे शशंक आसन भाग दो। सर्वप्रथम दोनों घुटनों को खोल लें, दोनों घुटनों में उतना गैप कर लें जितना आप मैक्सिमम कर सकते हैं। दोनों हाथों को हथेलियों को लगा दें धरती पर, दोनों घुटनों के बीच दोनों हथेलियां आपस में मिली रहे, दोनों में गैप ना हो। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर खींचते जाएं, इतना खींचते हैं कि आगे जाने के बाद दोनों हाथ हल्के से खुल जाएं, दोनों हाथों में उतना गैप आ जाए जितना आपके कंधे चौड़े। ठुड्डी को आसन के ऊपर लगा दें और नितंब आपके एड़ियों पे टिके रहें, उनको उठाने का प्रयास नहीं करेंगे। नॉर्मल श्वास लेते रहें, इस स्थिति में कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे। श्वास नॉर्मल लेते रहें, रुकने का प्रयास। बहुत सुंदर स्थिति बिटिया की। जिस प्रकार दोनों हाथों को आगे लेके गए थे, अब उसी प्रकार दोनों हाथों को रिवर्स जर्नी वापिस लाएंगे धीरे धीरे। कमर सीधी हो जाए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और दोनों घुटनों में जो गैप बनाया था उस गैप को नॉर्मल कर दें, नितंब आपके एड़ियों पे टिक जाए। धन्यवाद, बहुत बढ़िया तलवार जी, इतना सुंदर आपने अभ्यास करवाया। शशंक आसन करने से लीवर पैनक्रियाज स्वस्थ होते हैं, रीढ़ लचीली बनती है। समय को देखते हुए यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिल आसन दाईं ओर।
दाई भुजा दाई टांग सीधी, बाई भुजा बाई टांग मुड़ी हुई। हाई बीपी में बहुत ही लाभकारी। चलिए जी, अब कल जो आसन होगा उसी का एक बहुत बढ़िया आसन है, कमर के लिए, पेट के लिए, सर्वाइकल के लिए, मकर आसन। स्थिति लेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ अपनी ठुड्डी के नीचे रखें, दोनों कोहनियों को आपस में मिला लें, दोनों पांव भी मिला लें, एड़ी भी मिला लें। अब दोनों पांव को इकट्ठा मोड़ करके अपने हिप्स के पास लेकर आएं और एड़ियों को आसन हिप से लगाने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे यहां पर, प्रेशर बनाएंगे थोड़ा, तने हुए पंजे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, करिए जी करिए, सब लोग करिए। जो चाहते हैं कि हमारी कमर बिल्कुल सही रहे, जो चाहते हैं कि सर्वाइकल का दोष ना आए, वो मकर आसन का अभ्यास करें जी। नए साधक देख लेंगे, आज का प्रदर्शन जिज्ञा द्वारा हो रहा है, बहुत बढ़िया बेटा। धीरे धीरे पांव को लेकर जाएंगे वापस, और अब एक बार राइट पांव लेकर आएंगे, एक बार लेफ्ट पांव लेकर आएंगे, बिना रुक के करेंगे, पंजे को तान कर करेंगे। हर बार कोशिश करेंगे कि आपकी एड़ी हिप्स को टच करे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। अब दोनों पांव से एक साथ बिना रुके करेंगे, करिए जी करिए, देखने से कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा होता है थोड़ा करिए, लेकिन फायदा तो केवल और केवल करने से ही होगा। चलिए जी वापस आ जाएं, और इसी का एक विपरीत आसन करेंगे। अब पहले थोड़ा विश्राम ले लें, शिथिल आसन बाईं ओर में, इसी का एक विपरीत आसन करेंगे, सलभ आसन। एड़ी पंजे मिलाएंगे, ठुड्डी आसन पर रखेंगे, अब की बार दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, पंजे लेटे हुए तने हुए, ठुड्डी को नहीं लाएंगे अपनी जगह से। श्वास भरते हुए दोनों पांव धीरे धीरे जंघाओं सहित ऊपर उठा दें, गर्दन नहीं उठाएंगे, ठुड्डी आसन पर ही रहेगी। कोशिश करें घुटने भी उठाएं, पंजे तान कर रखें जी, जितना पंजे तानेंगे उतना घुटने बढ़िया बनेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश होनी चाहिए जी, आपका आसन पूर्ण हो ना हो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कोशिश लेकिन ईमानदार हो, सही दिशा में हो, हल्की जंघाएं जरूर उठाने की कोशिश करें, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का सा अपने हाथों को ठुड्डी के नीचे रखकर विश्राम ले लें, रिलैक्स हो जाएं। एक बार जल्दी से जिज्ञा एक आसन करके दिखाएगी, आप भी जुड़ेंगे। धनुरासन बहुत ही बढ़िया होता है, अभी दोनों आसनों का लाभ मिलेगा आपको, मकर आसन भी किया, सलभ आसन किया, उन दोनों को मिला करके अब करेंगे धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों घुटने उठा दें और एड़ियों को तान दे दूर से दूर, गर्दन पीछे से पीछे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए जी कितनी सुंदर स्थिति, कमर की एक एक गोटी प्रभाव में, पेड़ों पर बहुत अच्छा प्रभाव, शरीर का कोई अंग आपका नहीं अछूत बसता जो प्रभाव में ना आए, बहुत सशक्त आसन में से एक है जी ये। लेकिन रुकने से लाभ होगा, कुछ सेकंड और रुकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बढ़िया जी बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं, विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, समय का पूरा ध्यान रखा जाएगा 6:45 तक, इसलिए आप आंख बंद करके पूरी तरह से जुड़े रहें क्लास के साथ, कुछ समझ में ना आए
जरूर आंख खोलकर देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। पीठ के बल एक आसन करेंगे, बहुत ही बढ़िया, धनुरासन, ये सेतुबंध आसन, बहुत ही बढ़िया है सेतुबंध आसन। कमर के लिए एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव को इकट्ठा मोड़कर टखनों को पकड़ लीजिए। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार, पांव को खोल लें अगर पकड़ने में दिक्कत लगे, और श्वास भरते हुए मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, आराम आराम से उठाएंगे। उठाओ जी उठाओ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। रुकिए रुकिए रुकिए, रुकने से लाभ होना है जी। हल्के से हिप्स को और उठाइए, कमर को उठाइए थोड़ा, ठुड्डी कंठकूप में लगने से महिलाओं के लिए तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आएंगी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा कर लीजिए, रिलैक्स। एक बार बेटा चक्रासन और करके दिखाओ, बहुत ही बढ़िया चक्रासन करके दिखाएगी। आप लोग सेतुबंध आसन कर लीजिए फिर से, और जिज्ञा करके दिखाएगी चक्रासन। चलिए जी, जो चक्रासन कर सकते हैं वो चक्रासन भी करेंगे। वेरी गुड, क्या बात है बेटा, एक बार देख लीजिए जी, सब लोग देख लीजिए चाहे, कितना शानदार, बिल्कुल रबड़ की तरह अपनी बॉडी को उठा दिया है जी, बिल्कुल ऐसे मोड़ दिया है, इससे बढ़िया पोस्चर नहीं हो सकता जी। जैसे अमल हमारा 9 साल का जो साधक आया था, उसी टाइप से देखिए हमारी जिज्ञा बेटी ने भी इतना सुंदर पूरी कमर को मोड़कर कितनी सहजता के साथ प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, बहुत ही आराम से वापस आएंगे। सामान्य श्वास, पांव को सीधा कर ले, सवासन, दोनों पांव में सुविधाजनक दूरी, हथेली का रुख आकाश की ओर, मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें, देखें अपने सुंदर प्रभाव को। इतने सुंदर सुंदर मैंने आसन किए, वृक्षासन का अभ्यास किया, कटी चक्रासन का अभ्यास किया, बहुत ही बढ़िया ग्रीवा संचालन, स्कंद संचालन, घुटने का संचालन किया, बैठने में कौन आसन किया हमने, वज्र आसन में शशंक आसन किया, बहुत सुंदर आपने आसन किए, पेट के बल भी इतने बड़े आसन किए, पेट को प्रभावित किया। ईश्वर का धन्यवाद करें, सदैव हमें योग से जोड़कर रखे। हमें देखकर और भी लोग प्रेरित हों, योग से जुड़ें, यही प्रार्थना करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे, राइट साइड में करवट लेंगे और बैठ जाएंगे। चलिए जी, बैठ करके अपनी सुविधा के हिसाब से विश्राम ले लीजिए। सामान्य श्वास, महान क्रिया, हंसी करेंगे जी। और आज तो हमारे साथ पहली बार हमारी जिज्ञा बेटी जुड़ी है। देखिए बच्चों को अगर हम परिवार अगर जुड़ता है पहले, तो बच्चे अपने आप ही जुड़ना शुरू हो जाते हैं जी। तो पूरा परिवार जुड़ा हुआ है,
और इतना सुंदर देखिए तैयारी करके और इतना बढ़िया प्रदर्शन आपके सामने हो रहा है। तो आइए सब मिलकर जिज्ञा के साथ एक बार मस्ती भरी हंसी लेंगे, मौसम भी बहुत बढ़िया है, आइए सब एक साथ मिलकर हंसना प्रारंभ करें। और जोर से मस्ती भरी हंसी। अंतिम आवृत्ति। शांत, अब आंखें बंद कर लें जी। अब देखिए इतनी बढ़िया हंसी हुई है, पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़े, मौसम के साथ जुड़े, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें जी। बैठेंगे अपनी सुविधा अनुसार, जो पद्मासन लगाकर बैठ सके पद्मासन अवश्य लगाएं, अन्यथा सुखासन में वज्रासन में बैठ जाएं। बीच में अगर आपको लगे परेशानी हो रही है, नहीं बैठा जा रहा, तो आप बीच में बदल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आंखें खोलने की जरूरत ना पड़े। अब सुंदर आसनों का हमारा चरण पूरा हुआ, अब हम प्राणायाम की ओर बढ़ रहे हैं। श्वासों का आयाम प्राणायाम, इसके भागी हम तभी बनते हैं जब हम आसन करते हैं, सूक्ष्म क्रियाएं करते हैं, प्रारंभ से ही हम कक्षा से जुड़ते हैं। तो आपने बहुत बड़ी आसन किए, आइए अब हम सुंदर प्राणायाम की यात्रा करेंगे। और प्राणायाम में हमारा जो मार्गदर्शन रहेगा, हमारे वेस्ट एनक्लेव जिला के जो प्रधान हैं श्रीमान वेद सैनी जी, तो उनका मार्गदर्शन रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि श्रीमान वेद सैनी जी जुड़े और वो जो है आज हमारे को प्राणायाम की सुंदर यात्रा करवाएं। श्रीमान वेद सैनी जी, नमस्कार। आपने बहुत सुंदर सुंदर आसन किए, हमारे वेस्ट एनक्लेव जिला के अधिकारियों ने सुंदर सुंदर आसनों का अभ्यास करवाया, आपने आनंद लिया। आइए बढ़े प्राणायाम की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ के बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाई नासिका पर, अनामिका बाई नासिका पर, कोहनी शरीर के साथ सटी हुई, चेहरे पर कोई तनाव नहीं। अनामिका हटाते हुए बाई नासिका से धीरे धीरे भरेंगे श्वास, अंगूठा हटाते हुए श्वास धीरे धीरे दाई नासिका से बाहर। अब दाई नासिका से धीरे धीरे भरेंगे श्वास और श्वास बाई नासिका से धीरे धीरे बाहर। बिना रुके हुए इस अभ्यास को करते जाएं। हमने अंगूठे की अनामिका की जो उंगली लगाई है नासिका के साथ, उसका प्रेशर नहीं बनाएंगे, केवल थोड़ी सी डायरेक्शन देंगे। बाई से भरेंगे, दाई से निकालेंगे, दाई से भरेंगे, बाई से निकालेंगे, नियमित इस अभ्यास को करते जाएंगे बिना रुके हुए। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें बंद हैं, सभी साधक के प्रयास का ध्यान रखें। बहुत आसान, बहुत सरल प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर का तापमान सम रहता है, बुखार जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती, दोहराते जाएं अभ्यास को। बाई नासिका हमारी चंद्र नाड़ी कहलाती है, दाई नासिका सूर्य नाड़ी कहलाती है। बाई नासिका से श्वास भरते हैं, शीतलता अंदर जाती है, दाई नासिका से श्वास भरते हैं, ऊष्मा अंदर जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर का तापमान सम रहता है, मन शांत होता है। दोहराते रहे अभ्यास।
यह प्राणायाम कम से कम हमें 10 मिनट अवश्य करना चाहिए, समय का अभाव होता है इसलिए यहाँ संकेतित करवाया जाता है। इस प्राणायाम को करने में हमें थकावट भी नहीं होती और दिन में किसी समय भी किया जा सकता है क्योंकि पेट के ऊपर प्रेशर नहीं आता। लेकिन हाँ, भोजन करने के और प्राणायाम करने के दौरान घंटे सवा घंटे का अंतराल हो तो बहुत उत्तम रहेगा। हमने बाई नासिका से श्वास भरना प्रारंभ किया था, बाई नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन अर्थात इस प्राणायाम को करने से हमारे शरीर के किस किस भाग पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, क्या हम जो निर्देश आ रहे थे वैसा कर पाए, वहां अपने ध्यान को लेके जाए। आइए एक और प्राणायाम करते हैं, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम की सार्थकता आज के समय में बहुत बढ़ गई है। कोविड के दौरान हमारा जो कोविड की बीमारी एंटर करती है गले से एंटर करती है, पहले गला खराब होता है, फिर हमारे लंग्स खराब होते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी रूप बड़ा करती जाती है हमारे शरीर के अंदर। आइए उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। अपनी जिह्वा को मोड़कर लगा लें तालू से ऊपर अधिकाधिक अंदर की ओर, थोड़ा पेट का संकोचन कर लें, थोड़ा सा कंठ को भी दबा लें और धीरे धीरे श्वास भरेंगे मधुर खर्राटे लेते हुए, फिर श्वास छोड़ेंगे मधुर खर्राटे लेते हुए। दोनों ही स्थितियों में श्वास भरते हुए भी श्वास छोड़ते हुए भी खर्राटे मधुर खर्राटे धीरे धीरे लेते जाएं। श्वास भरते हुए भी मधुर खर्राटे, खर्राटों की आवाज कंठ से आनी चाहिए, यानी जितना अंदर से आवाज आएगी उतना अच्छा है। हर आवृत्ति में हमें यह महसूस हो कि हमारे कंठ की गले की मांसपेशियों की सफाई हो रही है, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। धीमे धीमे इस अभ्यास को दोहराते जाएं, आप महसूस करेंगे कि हमारी गले की मांसपेशियां स्वस्थ हो रही हैं, हमारी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां स्वस्थ हो रही हैं। यदि हमारा गला स्वस्थ है तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि हम कोविड की बीमारी से लड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और कोविड हम पे अपना प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं छोड़ सकता। गले को स्वस्थ करने के लिए अत्यंत उत्तम ये प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम, दोहराते जाए अभ्यास को। मधुर खर्राटों की ध्वनि कंठ से आनी चाहिए श्वास भरते हुए भी और श्वास छोड़ते हुए। इसका अभ्यास हमें इन दिनों में जबकि हम कोविड से जूझ रहे हैं, पूरा देश पूरी दुनिया जूझ रही है, अत्यंत आवश्यक है। दिन में 3-4 बार इसकी आवृत्तियां अवश्य करें ताकि हम ये अपने आप को सुनिश्चित कर सकें कि हमारा कंठ सही है और कोविड कंठ के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश करता है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। समय का अभाव रहता है इसलिए संकेतित करवाया जाता है इस कक्षा में। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत अवस्था सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। पेट का संकोचन किया था वो भी सामान्य कर लें।
गर्दन भी सीधी कर लें, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, किए गए प्राणायाम का मानसिक अवलोकन। आइए एक और प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। कमर गर्दन सभी की सीधी है, सीधी है रखेंगे, पहले सुन लेंगे, अभी अभ्यास प्रारंभ नहीं करेंगे। पहली दोनों उंगलियां ले चले आंखों पर, अगली दोनों उंगलियां ले चले मुख पर, हम गहरा श्वास भरेंगे और धीरे से मधुर गुंजन प्रारंभ करेंगे। इसकी 5 आवृत्तियां करेंगे। दोनों घुटनों से कानों को थोड़ा सा प्रेस कर लीजिए, गहरा श्वास भरिए और प्रारंभ कीजिए। मधुर गुंजन, इसकी ध्वनि हम केवल अपने लिए उत्पन्न कर रहे हैं, पड़ोसियों को सुनाने के लिए नहीं। ध्वनि इतनी कम हो कि हमारे शरीर के अंदर ही रहे। हम अपने मस्तिष्क पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। जो हम हमिंग पैदा कर रहे हैं, मधुर गुंजन कर रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, मस्तिष्क के नस नाड़ियों पर पड़ता है। वहाँ जमा हुआ कार्बन अपना स्थान छोड़ता है, हमारी मेमोरी शार्प होती है, मन शांत होता है, शरीर में जमा हुई नेगेटिविटी, नेगेटिव विचार धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ते हैं। सुंदर ये प्राणायाम। मधुर गुंजन, ध्वनि इतनी कम हो कि वह हमारे शरीर के अंदर ही रहे। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हमें धीरे धीरे ध्यान में जाने की ओर भी लाभ मिलता है, हमारी प्रवृत्ति बनती है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से हम धीरे धीरे ध्यान की ओर भी अग्रसर होते हैं, मन हमारा शांत रहता है। धन्यवाद श्रीमान विजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सैनी जी, बहुत ही बढ़िया आपने सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करवाया। आइए अब आज के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, उस प्रभु का ध्यान करते हैं, उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, जिसकी कृपा से हम इस सुंदर योग साधना का लाभ ले पा रहे हैं। अब अगले 10 मिनट 12 मिनट सभी की आंखें बंद रहेगी, रीढ़ गर्दन सीधी रहेगी, पूरी तरह ध्यान प्रभु के चरणों में रहेगा। कितने भाग्यशाली हम सब हैं जो प्रतिदिन अपने नए दिन की शुरुआत अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करने के उपरांत सुंदर सामूहिक साधना से करते हैं। इससे मेरा जीवन बदल रहा है, हर काम में मेरा उत्साह रहता है, एफिशिएंसी बढ़ रही है। तो आइए उस प्रभु को पुकारें, दिल से पुकारें, एक दूसरे की आवाज के साथ आवाज को मिलाकर पुकारें, और पुकार में इतना
अपनापन हो, इतना भाव हो कि प्रभु दौड़े आए और हमें अपनी गोद में बिठा लें, गोद में उठा लें। ओम की लघु ध्वनियां सभी साथ देंगे, मिलकर साथ देंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए।
शांत शांत हो जाएं, मन ही मन ओम का जाप चलता रहे, हर श्वास पर श्वास के साथ ओम को जोड़ें, पूरे ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में केवल इस प्रभु के प्यारे नाम का गुंजन हो, सुनते जाएं इस नाद को, शरीर में आते हुए विशेष स्पंदन को महसूस करें, विशेष प्रभाव को महसूस करें। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ, ऐसा महसूस करें प्रभु की गोद में हम हैं, प्रभु का हाथ हमारे सर पर है, जैसे बच्चा माँ की गोद में आकर बिल्कुल अपने आप को निर्भीक महसूस करता है, उसी प्रकार बिल्कुल आनंद के साथ छोड़ दीजिए अपने भय को, छोड़ दीजिए अपनी चिंता को, सब संभाल लेंगे प्रभु, बस मुझे तो केवल प्रभु का साथ, प्रभु का आशीर्वाद चाहिए। बड़ी आनंदमय स्थिति, डूबे रहें इस आनंद में, लगा लें इस मानसरोवर में डुबकियां, धन्य हो जाएं, धन्य हो जाएं। प्रार्थना शांति पाठ करेंगे, सब मिलकर करेंगे, पहले एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे, लेकिन उससे पहले सब प्रॉमिस करेंगे, कल हमारा विशेष प्रोग्राम होगा ठीक 5:30 से 7 बजे, 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, पूरा संसार, करोड़ों अरबों व्यक्ति योग से जुड़ेंगे, हमें प्राउड होना चाहिए, भारत की दी हुई ये देन जिसे पूरा विश्व आज मान चुका है, और इस इन कोविड परिस्थितियों में तो बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि योग से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। तो कल का हमारा विशेष प्रोग्राम रहेगा, हमारे अधिकारी भी जुड़ेंगे, साधक भी हमारे बड़ा अच्छा प्रदर्शन देंगे, 1 से ज्यादा हमारे साधिकाएं रहेंगे, तो जरूर आपने समय से जुड़ना है, बहुत ही भव्य प्रोग्राम होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेहनत के साथ किया हुआ प्रोग्राम होगा, ज्यादा से ज्यादा आपने लिंक को शेयर करना है। आइए शांति पाठ, पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा श्वास लीजिए, ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ॐ शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बंद आंखों में खोए रहें, कितना आनंद है
कितनी शांति है, प्रकृति का साथ है, खुला आसमान है। प्रभु बस ऐसे ही हमें खुश रखें, शांत रखें, प्रफुल्लित रखें। बंद आंखों में दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, उत्पन्न हुई योगिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में मुखमंडल पर धारण करेंगे और बहुत ही कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलेंगे। भगवान सूर्य अगर आपको नजर आ रहे हो तो भगवान सूर्य का दर्शन करें। धीरे से आंखें खोलकर हमारी युवा साधिका, देखिए 11th के स्टूडेंट, और कितना बढ़िया आज इन्होंने प्रदर्शन दिया, जिज्ञा, तो इसको आशीर्वाद दें, योग से ये जुड़ी रहे, पूरा परिवार जुड़ा रहे, आगे भी हमें इनका साथ मिलता रहे, बीच बीच में हमारे पास प्रदर्शन देने के लिए, डेमो देने के लिए आती रहे, और अपने पढ़ाई में जो भी इनके ड्रीम्स हैं वो भी अच्छे से पूरा करें। तो एक बार आज फिर से आप सभी का धन्यवाद। आज की हमने विशेष कक्षा जूम के थ्रू लाइव की थी, लेकिन आप लोगों को यूट्यूब का ही लिंक गया था ताकि हमारे अधिकारी अपने घर से बैठ करके जुड़ सकें। कल हमारे कोई और भी अधिकारी जुड़ें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उनका अनुभव प्राप्त हो, उनका लाभ प्राप्त हो। तो जरूर आपने जुड़ना है। कल का योग दिवस हमने अंतर्राष्ट्रीय अपने परिवार के साथ, योगिक योग परिवार के साथ मनाना है। अपने परिवार के सदस्यों को भी कम से कम कल जरूर जोड़िए जो अभी तक नहीं जुड़े हैं, और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को भी लिंक शेयर कीजिए। एक बार फिर से हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी का धन्यवाद, हमारे क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमान डालमिया जी का, श्रीमान तलवार जी का, आहुजा जी का धन्यवाद, जिन्होंने अपने स्थान से बैठकर हमारे मार्गदर्शन किया। कल फिर मिलेंगे आपसे, धन्यवाद। कमेंट्स जरूर कीजिए जो भी आपको